नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल EBTech में। दोस्तों दो बड़ी अपडेट आ रही है। पहली अपडेट है आपकी डिजिटी पीजीटी परीक्षा 2021 के हाई कोर्ट मामले की अपडेट को लेकर के, और दूसरी अपडेट है एडेड एवं राज्य की जो संस्कृत विद्यालयों हैं वहां पर भर्तियों का आदेश जारी कर दिया गया। तो कैसे भर्तियाँ होंगी, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 परीक्षा कोर्ट मामले को लेकर के। तो दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए जो आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, हमने आपको बताया था कि बृहस्पतिवार को इसमें सुनवाई हो सकती है। तो दोस्तों इसकी कल काज लिस्ट जारी कर दी गई थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए काज लिस्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में केस लगा हुआ है, अवनीश कुमार यादव एंड अनादर करके केस लगाया गया है। और रिस्पोंडेंट में आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन लखनऊ एंड अदर्स, हिमांशु राघव जी इसमें जो हैं काउंसलिंग जो काउंसिल है उनके पेटे वो हैं। और यहाँ पर देखें अगर आप लोग तो ये 26 तारीख को केस लगाया गया था और इस मामले की जो सुनवाई है आज होनी है 29 जुलाई को कोर्ट नंबर 8 में, ठीक है। तो आज इस मामले की सुनवाई हो सकती है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं हिमांशु राघवे जी की जो इसमें वकील साहब हैं और इसमें जो हैं वो आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से संबंधित जो याचिका है उसकी सुनवाई आज यहाँ पर होनी है, ठीक है। फिलहाल जो भी अपडेट निकल के आएगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या इसकी परीक्षा स्थगित हो जाएगी 7 और 8 अगस्त वाली या 17-18 अगस्त वाली, क्योंकि यहाँ पर मामला दोस्तों क्या है। दोस्तों यहाँ पर दो मामले प्रमुख रूप से हैं। पहला मामला है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आपकी मंडल में ना करवाई, जिलों में ना करवा करके मंडल में करवाई जाए। पहला पॉइंट यही है कि मंडल में परीक्षा करवाई जाए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि तदर्थ शिक्षकों की संख्या को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो कहा गया कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उनको विज्ञापन में शामिल किया जाए, ठीक है। और 27,000 जो पद शिक्षक भर्ती के उनको भी इसमें शामिल करने की बात सुनने में आ रही है। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट है मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, जैसे इसका ऑफिशियल ऑर्डर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रमुख मुद्दा यही है कि सबसे पहला कि जिलों में परीक्षा न करवाई जाए, मंडल में परीक्षा करवाई जाए। युवा मंच द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, आई थिंक कल जारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर एक एक प्रबंधक के करीब करीब 17 जो है वो विद्यालय हैं, एक प्रबंधक के अंडर में 17 अगर विद्यालय आ रहे हैं और इन्हीं विद्यालयों में जो है वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। तो अगर कोई मैनेजर है उसने अपने किसी दूसरे स्कूल में तदर्थ शिक्षक को नियुक्त किया है, अगर वही जो तदर्थ शिक्षक है इन 17 में से कहीं पर भी पहुँच जाता है परीक्षा देने, कहीं पर भी सेंटर उसका बन जाता है, तो ये मान लीजिए कि वो तो स्कूल किसका है, मैनेजर एक ही है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बड़ी आपका धांधली हो सकती है, बड़ा खेल हो सकता है। और जब तदर्थ शिक्षकों को नकल करवाई जाएगी, किसी तरीके से धांधली करवाई जाएगी, तो हो सकता है जो उस कमरे में बैठे अन्य अभ्यर्थी हैं, फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, उनको भी नकल करवाई जाए। क्योंकि हो सकता है कि जब अभ्यर्थी मालूम तो सबको ही है तो वो विरोध करेंगे, और जब विरोध करेंगे तो फिर हो सकता है वहाँ का जो स्कूल का मैनेजमेंट है, जो निरीक्षक है, वो मिल करके सभी को नकल करवा दें। अगर ऐसे मामले आ जाते हैं तो देख सकते हैं आप लोग कि कितनी हाई मेरिट जा सकती है। जब पूरे कमरे की नकल होगी तो मेरिट काफ़ी हाई जा सकती है। तो यही सब मामले हैं जिनको लेकर के जो युवा मंच है और जो अन्य अभ्यर्थी वो चाह रहे हैं कि परीक्षा जिलों में ना हो, क्योंकि अगर मंडल में परीक्षा होगी तो जो तदर्थ शिक्षक अपने ज़िले में नहीं रह पाएंगे, सबके तदर्थ सेंटर बनेंगे, मंडल पर सेंटर बनेंगे जा करके, तो धांधली की संभावनाएं जो है कम हो जाएंगी। तो परीक्षा को लेकर के अभी आप लोग निश्चिंत रहें, उम्मीद यही है कि परीक्षा की जो डेट है अभी इसमें देखा जाए तो टीजीटी परीक्षा के लिए देखा जाए तो करीब करीब देखा जाए तो 6-7 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अगर आज केस फाइनल हो जाता है तो इसकी जो परीक्षा है 6-7 अगस्त को हो सकती है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें डिले भी होता है, मामला अगर नहीं निपटता है, तो ये मान लीजिए कि ये परीक्षा में थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, परीक्षा 6-7 अगस्त की बजाय हफ्ता खंड आगे बढ़ सकती है। फिलहाल ये अभी एक संभावनाएं हैं, जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आज जैसे सुनवाई का ऑर्डर आता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। जो टीजीटी पीजीटी के छात्र हैं
वो अपनी तैयारी करते रहिएगा। बहुत से टेस्ट सीरीज जो हमारे संस्थान द्वारा जारी की गई उनकी आप लोग मदद ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एडेड एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों में भर्तियों को लेकर के, तो इसका जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि 24 जुलाई को जारी की गई थी, और यहाँ पर विषय देख सकते हैं लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 व 22-23 के लिए ग्रीष्मकाल को छोड़ करके अथवा नियमित चयनित शिक्षकों के आने तक जो भी पहले हो नितांत अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की आवश्यकता है उनके चयन के संबंध में व्यवस्था की गई है। तो संस्कृत विद्यालयों में यहाँ पर भर्तियाँ होनी हैं, चाहे एडेड कॉलेज हो या फिर राजकीय में हो। अब यहाँ पर किस तरीके से भर्तियाँ होनी है, तो इसके लिए कमेटी का गठन किया गया। देखिए यहाँ पर लिखा है संबंधित अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंधक को अध्यक्ष बनाया गया है। संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपदीय सदस्य होंगे ये, और इसमें कई सारे लोग मिलकर के यहाँ पर सदस्य रहेंगे और यही यहाँ पर भर्तियाँ करेंगे। जो भर्तियाँ होंगी यहाँ पर आपकी एक तरीके से इंटरव्यू के आधार पर होंगी, कोई भी यहाँ पर लिखित परीक्षा वगैरह नहीं होगी। तो लिखा साक्षात्कार में प्रदान किए जाने वाले अंकों की प्रक्रिया के संबंध में समिति द्वारा तत्समय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंटरव्यू में कैसे कैसे होगा, तो यहाँ पर सारी सूचनाएं देखो दी गई है। इंटरव्यू कैसे कैसे नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ दिया गया। लिखा है कि चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में प्रदान किया जाने वाला अधिकतम गुणांक, विषय जो एक हो गए 80 गुणांक अधिकतम नंबर होंगे इसमें, और शैक्षिक अर्हता पर दिए जाने वाले अधिकतम अंक 120 होंगे। कुल मिलाकर 220 नंबर के हिसाब से यहाँ पर आपका चयन किया जाएगा। तो लिखा देखिए पूर्व मध्यमा स्तर यानी जो शिक्षक कक्षा 9 और 10 के लिए नियुक्त होंगे उनका यहाँ पर चयन कैसे कैसे होगा। तो लिखा है कि हाई स्कूल की प्रथम श्रेणी पर 10 अंक, द्वितीय श्रेणी पर 5 अंक, तृतीय श्रेणी पर 2 अंक, इंटरमीडिएट की प्रथम श्रेणी पर 20 अंक, द्वितीय श्रेणी पर 10 अंक और 5 अंक, ग्रेजुएशन प्रथम श्रेणी पर 30 अंक, द्वितीय श्रेणी पर 15 अंक, प्रशिक्षण उपाधि बीएड के लिए थ्योरी प्रथम और व्यवहार प्रथम इसके लिए भी 40 अंक निर्धारित हैं। तो ये कक्षा 9-10 के लिए एकेडमिक मेरिट जो है यहाँ पर कैसे बनेगी उसके बारे में यहाँ पर दिया, जैसे आपके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन बीएड के नंबर होंगे उसी हिसाब से यहाँ पर नंबर आपको दिए जाएंगे और इसी के हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा 180 नंबर का होगा और जो यहाँ पर हुआ एकेडमिक होगा वो आपका 120 अंक का होगा, ठीक है। तो अगर देखें तो 40 यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करें तो 40 नंबर का आपका ये हो गया और 30-70 ये हो गया, 70 और यहाँ पर देख लीजिए ये 30 का ये हो गया, 100 का आपका यहाँ पर ये होगा। और नीचे और आएंगे तो यहाँ पर देखिए और भी दिया गया है कि बीएड में कैसे कैसे नंबर दिए जाएंगे, तो यहाँ पर ये देखिए पूरा सब कुछ दिया गया है। इसके बाद जो अतिरिक्त किसी के पास योग्यता है, ठीक है, अतिरिक्त योग्यता के लिए भी अगर आपने पीजी किया हुआ है तो 10 नंबर मिलेंगे, पीएचडी किया हुआ तो 10 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से जो आवश्यक शैक्षिक अर्हता उसमें 100 नंबर का वेटेज मिलेगा और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन इसमें 20 नंबर का, इस तरीके से 120 अंक के हिसाब से आपकी एकेडमिक मेरिट बनाई जाएगी। और इसी तरीके से ये जो 11-12 में छात्र पढ़ाएंगे शिक्षक यानी उत्तर मध्यमा के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया कैसे कैसे इनको नंबर दिए जाएंगे। और इंटरव्यू में देखिए लिखा हुआ है वहाँ पर ऊपर की 180 नंबर का इंटरव्यू होगा, इस हिसाब से 200 नंबर के हिसाब से आपके मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट के आधार पर ये आपका चयन किया जाएगा। जो फैसिलिटी होगी सभी के लिए सेम होगी, चाहे आप GIC में जाएँ या वहाँ पर जाएँ। वेतनमान की बात कर लेते हैं, तो वेतनमान के लिए देखिए लिखा है कि पूर्व मध्यमा स्तर के लिए शिक्षण कार्य जो है 12,000 रुपये मिलेगा और उत्तर मध्यमा के लिए जो आपको मानदेय मिलेगा 15,000 रुपये मिलेगा। एक तरीके से संविदा के आधार पर ये भर्तियाँ होंगी और ये जो भुगतान है आपके सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। तो जो अभ्यर्थी हैं पात्र हैं अपना इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और लिखा है कि जो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार है वो संस्कृत भाषा में ही लिया जाएगा, मतलब आपको वहाँ पर इंटरव्यू में हिंदी नहीं बोलनी है, आपका जो साक्षात्कार है संस्कृत भाषा में ही लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक्सपर्ट वगैरह आएंगे तो वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे और अगर आपका चयन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वेतन वगैरह नियमित मिलने लगेगा। लेकिन ये संविदा पर भर्ती है और इसमें क्या है कि आपकी जो नियुक्ति 2 साल के लिए होगी और 2 साल के बाद, या अगर जैसे परमानेंट शिक्षक आ जाते हैं, स्थायी शिक्षक आ जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ फीस वगैरह का भी प्रावधान दिया गया। लिखा है विज्ञापन में यथावित सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हो तो 250 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर एवं SC अनुसूचित जाति को 150 रुपये, इसका लिखा है सौ इनके अभ्यर्थियों को
एसटी के अभ्यर्थियों को 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल ऑर्डर संस्था प्रबंधक के पक्ष में देय होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये भर्तियां हो रही हैं। अब कहाँ कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ भर्तियाँ हैं, तो लिखा है कि यहाँ पर जो है संबंधित कॉलेजों से, संबंधित जिलों से इसकी विज्ञप्तियाँ जारी होंगी, और जिस भी जिले से आते हैं आप, जहाँ जब जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग संबंधित कॉलेज की या संबंधित जिले की विज्ञप्ति को आप ध्यान में रखिए, देखिए पेपर में, और अगर आती है तो वहाँ पर आप आवेदन करिए। इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर चयन किया जाएगा आपका। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं, और जो देखा जाए तो यहाँ पर आयु सीमा वगैरह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञापन के प्रकाशन के समय अभ्यर्थी की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी अधिकतम 5 विद्यालयों में आवेदन कर सकता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये आपकी वैकेंसी होगी, तो ये जिला स्तर से ही निकालने की यहाँ पर मुझे लगता है पूरी तैयारी है। ज़्यादा डिटेल्स अभी यहाँ पर नहीं दी गई है, शासनादेश जारी किया गया है। और देखिए लिखा है जो आवेदन होंगे आपके ये ऑफलाइन आवेदन होंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं होंगे। लिखा है अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा तथा उसकी छायाप्रति जिला विद्यालय निरीक्षक ईमेल आईडी पर भी प्रेषित की जाएगी। तो इसका जो पूरा डिटेल्ड विज्ञापन है ये आप लोग जो है देख लीजिए, हम ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा और अपना सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। और अंत में आपको यहाँ बता दें शैक्षिक अर्हता के बारे में, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं कि अर्हता क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर पर दिया गया है कि चयन हेतु शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद प्रावधानों के अंतर्गत और यहाँ पर नियमावली 2009 में वर्णित शैक्षिक अर्हता के अनुसार होगी, जैसा कि परिशिष्ट काम में दी गई है। तो ये नियमावली अगर आपके पास हो तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो जो भी जिले से वैकेंसी आएगी, जिस स्कूल से वैकेंसी आएगी, उसमें जो शैक्षिक अर्हता वगैरह के बारे में पूरा डिटेल होगी, तो उसको आप लोग देख करके आवेदन कर सकते हैं। बस ये मान लीजिए अगर आपकी नॉर्मल टीजीटी पीजीटी भर्तियों के लिए योग्य हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है योग्य होंगे। खैर जो कुछ अभी अपडेट निकलेगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, सिर्फ ये हवाला दे दिया गया कि ये नियमावली में जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो होगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।